कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीर फैमिली व्लॉग। मैं आज नाज़िया के साथ हेल्प कर रहा हूं। मैं आज ड्यूटी से भी जल्दी आ गया था तो नाज़िया को देखा, वो बना रही थी शामी टिकियाँ बना रही थी, तो अभी वो सारा सामान लेकर बैठी हुई थी, तो मैंने कहा चलो उसके साथ मिलकर थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ, थोड़ा सा वक्त भी पास हो जाएगा। हमारी लाइट भी गई हुई है, वो लाइट दिखाओ जाए, बल्ब मतलब हमारी लाइट भी बंद है, लाइट गई हुई है, तो ये सिर्फ मोबाइल की ही लाइट है, इसलिए थोड़ी सी आपको रोशनी भी हो सकता है कम महसूस हो। तो हम सारे घर में इकट्ठे बैठे हुए थे, दिखा सारे पूरी फैमिली घर में इकट्ठे बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो एक जगह पर बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी गपशप भी हो जाए, वीडियो भी बन जाए और हमारा व्लॉग भी बन जाएगा। तो ये सामान हम अभी तैयार कर रहे हैं, ये दाल और गोश्त है मुर्गी का, तो इसमें सारा सामान है, तो आगे वो नाज़िया बताएगी क्या कुछ इसमें डाला है, क्या बना रहे हैं। हाँ जी, हम शामी टिक्की ये शामी टिक्की हैं और इसमें मैंने डाला हुआ है ये पुदीना है, हरा धनिया है और प्याज डाल रही हूँ। और दूसरी रेसिपी तो मैं बता नहीं अब सकती क्योंकि वो मैं बना चुकी हूँ पहले। आज इनसे जल्दी आ गया तो मैंने सोचा कि आज इनसे मेरे साथ हेल्प करवाएंगे और मैंने कहा कि आज वो इधर आज की कमान की काम किया कि आज मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवाएंगे क्योंकि आज ड्यूटीज वो जल्दी आ चुके थे, इस वजह से वो कहते कि चल मैं आज आपके साथ काम करवाता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो आज हम सब मिलकर बैठे हुए हैं, आप देख रहे हैं ये दाल चने की उबाइल करके, इसमें गोश्त भी उबाइल है, तो हम इसमें नमक मिर्च सारे मसाले जो भी इसमें डाले हुए हैं तो इसको अच्छी तरह कूटेंगे, कूट कर इसको तो इसको बनाएंगे पेस्ट। पेस्ट बनाकर इसमें सलाद वो काट रही हैं, वो प्याज और हरा धनिया और पुदीना, इसका जब पुदीने का जब जायका आएगा खाएंगे तो बड़ा ही टेस्ट आएगा। जब बनाकर आज रात को हम ये टिक्कियों के साथ ही आज खाना खाएंगे। बच्चे जो हैं वो गए हुए हैं ट्यूशन, उनका टाइम है 6 बजे जाते हैं और रात को 10 बजे आते हैं, उनके पेपर होने वाले हैं टेस्ट याद करने के लिए, वो फिर देर से आते हैं, इसलिए बच्चे भी घर में नहीं है। तो एक है बच्चा बैठा हुआ है अयान, ये बहुत शरारती बच्चा है तो बड़ा तंग करता है। सही बात, सही रहा। अयान इधर खड़ा हो, अयान बातें कर, जरा बातें कर। हेलो फ्रेंड, ऐसे कर, ऐसे कर सामने, फिर वीडियो जाएगी इधर, पापा भी देखे, ऐसे बोले हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड बोल फोन पे यार, बोलो तो सही, हेलो फ्रेंड, चलो ठीक है। आज हमने ये जो शामी टिक्कियाँ कंप्लीट होने वाली हैं, अब इसमें मैं 2 अंडे डाल रही हूँ और इसमें प्याज डाला है और धनिया डाली है और पुदीना डाला है और हरी मिर्ची काटी हुई हैं, और अब हम इस रेसिपी को तैयार कर रहे हैं। तो जब ये टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी तो फिर हम ये केचप रखा हुआ है नेशनल वालों का केचप है, तो इसके साथ हम जब टिक्कियाँ खाएंगे तो आपको बताएंगे कि कितना मज़ा आ रहा है। आज शाम को ही हम खाएंगे, रात को जब खाएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे, आपका भी दिल करेगा टिक्कियाँ चाहे बाज़ार से लाकर खाएं, खाएंगे ज़रूर। ये कौन सी केचप है? नेशनल वालों की। तो जब अब खाएंगे बड़ा मज़ा आएगा, आज हम शाम को इसी के साथ खाएंगे, हमारा आपके साथ वादा रहा, आज ये केचप के साथ खाएंगे और आपको दिखाएंगे। ओके, अब ये रेसिपी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने इसमें अंडे डाले हैं, अंडे इसलिए डालते हैं कि ये फिर जब फ्राई करते हैं तो तब टूटती नहीं है। ये हम आपको तरीका बताएंगे कि शामी टिक्की को हम कैसे कंप्लीट करते हैं। इसकी शेप बना के बताएंगे आपको कि किस तरह हम इसको तैयारी में करते हैं इसकी कंप्लीट। मैं
के सामने फ्राई करूँगी। अब आगे स्टार्ट करके बताऊँगी कि ये किस तरह फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे हम, और फिर केचप के साथ खाएंगे और बड़ा मज़ा आएगा, और फिर आपके साथ ये सब कुछ शेयर करेगा क्योंकि वो जब खाएगा तो उसको बड़ा मज़ा आएगा। और अब मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। इसके बाद जब फ्राई हो जाएंगी तो भूख भी बहुत ज़्यादा लग चुकी है, जब फ्राई हो जाएंगी तो हम वो केचप आपको दिखाया उसके साथ खाएंगे, और साथ में खाना भी खाएंगे और केचप के साथ हम फ्राई टिक्की खाएंगे। दवाई ले आने मेरे, ये मूड मेरे पास पहुंच चुका है और वो ये कह रहा है कि मैंने चाची ये चटनी के कपड़े मेरे काटना जो शादी की क्या बजाई है ये वाली शादी है। दो मिनट इन्हें फोड़ा वो ये देखिए रोटी आपके सामने खा रहे हैं। ये अद्धी रोटी दे 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 से पापा, चल ये तो निकाती करानी टिक्की बना दे के डोमलो चल वगैरह। अभी ये टिक्कियां बनी नहीं है, आप पुदीने की चटनी बना रहे हैं। हाँ जी, वे बच्चे अभी ट्यूशन से आए हैं, टाइम क्या हो चुका है, पूरे 9 बज चुके हैं, ये 6 बजे के गए हुए हैं और 9 बजे आए हैं ये ट्यूशन से, 5 बजे गए थे तो 9 बजे आए हैं। इतना लंबा इनका ट्यूशन है, बहुत ज़्यादा अभी हमने खाना भी नहीं बनाया, इनका इंतज़ार कर रहे हैं, अब हम खाना भी बनाएंगे और साथ मिलकर खाएंगे। बच्चे एकेडमी से आ चुके हैं और अब मैं इनके लिए खाना बना रही हूँ और हम सब मिलके खाएंगे। सैम वगैरह को भूख भी लगी हुई है और वो कह रहे थे कि मामा हमें एकेडमी में बड़ी भूख लगी हुई थी, और 9 बज चुके हैं और वो लेट आते हैं ट्यूशन से, तो आज उनको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है। अभी हम शामी टिक्कियाँ भी जो फ्राई करेंगे शामी टिक्कियां तैयार हो चुकी हैं और अब ये सब खाना खाने लगे हैं। ये हांडी बनाई है, ये है चटनी है पुदीने की, ये केचप है और ये टिक्कियां हैं और साथ में रोटियां हैं, तो हम सब मिलकर खाना खाएंगे। साथ में भाई बैठा हुआ है, खा रहे हैं शाम का खाना सभी मिलकर। बच्चे ट्यूशन से आए थे तो हमने सोचा बच्चे सब आ जाएंगे ट्यूशन से तो फिर मिलकर हम खाना खाएंगे। अब टिक्कियाँ भी तैयार हो चुकी हैं, सब्जी भी है और साथ में पुदीने की चटनी और केचप भी है, तो हम उनके साथ खाना खाएंगे तो हमें बड़ा मज़ा आने वाला है। हम आपको बताते हैं कितना मज़ा आ रहा है, टाइम बताओ कितना मज़ा आ रहा है, उधर जाओ माही तू बता। दांत भी नहीं है ये देख लो। अब हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़।